हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग देखेंगे खंड काव्य। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था काव्य और महाकाव्य के बारे में। काव्य कितने प्रकार के होते हैं और महाकाव्य किस काव्य के अंतर्गत आता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। अगर ना देखा हो तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे खंड काव्य क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखिए खंड काव्य आपके सामने लगा हुआ है। अब ये ग्रामर जो हिंदी ग्रामर की सीरीज पूरी कंप्लीट चालू हो गई है, जिसमें हम आपको हिंदी व्याकरण, संपूर्ण हिंदी व्याकरण आपको कवर कराएंगे। चाहे आप पटवारी के पेपर दे रहे हो, चाहे केबीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर एमपी बोर्ड जो पेपर होने वाले हैं 10th 12th या सभी क्लासों के, उसमें आपके ये बहुत यूजफुल होगा। आप प्रॉपर उसी के लिए है ही, सब कुछ के लिए, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं खंड काव्य। खंड काव्य एक सूत्र में बंधी एकल छंद वाली ऐसी रचना है जिसमें मानव जीवन के किसी एक खंड या एक पक्ष का चित्रण होता है, जिसमें एक ही खंड और एक पक्ष का ही चित्रण किया जाता है, उसे हम खंड। खंड यानी कि एक पक्ष को खंडित करके निकाल लिया गया और उसके बारे में आपको पूरी तरह से बताया। महाकाव्य में सभी पक्षों को लिया जाता था और एक संपूर्ण जीवन चित्रण होता था किसी एक प्रसिद्ध आदमी के बारे में। इसमें 8 से कम सर्ग होते हैं, जो कि आपका पहला क्वेश्चन हमने थंबनेल में आपने देखा होगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि खंड काव्य में कितने सर्ग होते हैं, तो कितने होते हैं, 8 से कम, या आपका ऑप्शन मिल चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। आपने देखा कि किसी एक पक्ष का वर्णन यहां पे किया जाता है। अब आपसे पूछा जाता है कुछ महा यानी कि खंड काव्यों के कुछ नाम और उनके रचनाकारों के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं खंड काव्यों के नाम, यानी जैसे पंचवटी है, किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल। जयद्रथ वध है कि है खंड काव्य, जिसको लिखे मैथिली शरण गुप्त ही लिखे हैं इसको भी। और आगे बात करें अगर सुदामा चरित्र, जो सुदामा चरित्र कहो या चरित्र, उसको नरोत्तम दास ने, ये रचनाकार है, इन्होंने लिखा था इसको खंड काव्य को। सुदामा चरित्र आप जो देखते हैं, सुदामा के बारे में संपूर्ण चित्रण यानी कि किया गया इसमें, ठीक है। एक पक्ष को खंड करके सुदामा वाला जो चरित्र चित्रण था उसको अलग करके पूरी तरह से बिल्कुल चित्रित किया गया है उसमें नाटकीय तरीके से। मेघदूत कौन लिखा है, कालिदास, बहुत ही फेमस है। तुलसीदास के बारे में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है, एक खंड काव्य लिखा हुआ। तो कुछ है रचनाएं, ये आपको याद रखना है और याद कर लेना है, ठीक है। आगे देखिए अगर हम बात करें तो इनकी विशेषताएं क्या होती हैं खंड काव्य की, इसको देख लेते हैं। खंड काव्य की विशेषता यानी कि इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव हमसे बन सकता है, ठीक है। अगर थ्योरिकल, अगर एमपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें थ्योरिकल पूछा जाता है तो आप बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। और ऑब्जेक्टिव जिसके में पूछा जाता है, जैसे कंपटीशन वाले केवीएस है, पटवारी है, अदर एग्जाम है जिसमें हिंदी आपके प्रेफरेंस होती है, तो इसमें क्या है कि आपके ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनते हैं, वो थ्योरी से ही बनते हैं। जब आप थ्योरी जानेंगे तभी ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे। देखिए चलते हैं देखते हैं, तो विशेषता पहला क्या है, खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है, किसी एक घटना का वर्णन यहाँ पे होता है। दूसरा क्या है, इनमें एक ही छंद का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है, एक ही छंद का प्रयोग है। छंद आप लोग जानते हैं, अभी आगे हम पढ़ाएंगे काव्य के बाद आपको हम रस, अलंकार, छंद तीनों पढ़ाएंगे, तो छंद आपको जानते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा। इसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है। कथा वस्तु पौराणिक या ऐतिहासिक, पौराणिक यानी कि पुराणों से ली गई हो, या ऐतिहासिक हो, पुराने इतिहास से लिया गया हो, विषयों पर आधारित होती है। श्रृंगार व करुण रस का प्रधान होता है, यानी कि श्रृंगार रस या करुण रस प्रधान होता है। इसमें प्रधान यानी कि मुख्य रूप से ये रस हो सकते हैं, श्रृंगार रस या करुण रस, दो में से एक होता है। इसका उद्देश्य महान होता है। महान तो देखो महाकाव्य का भी होता है, इसका भी उद्देश्य महान ही होता है, ठीक है। तो ये रहे आपके कुछ महाकाव्य और खंड काव्य। देखिए महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर क्या है, हमने महाकाव्य पढ़ा और खंड काव्य अब पढ़ लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल दोनों को देख लेते हैं। तो महाकाव्य और खंड काव्य में अभी हमने पीछे पढ़ा था, अब अंतर हमको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए महाकाव्य में जीवन का समग्र रूप का वर्णन किया जाता है, सभी पक्षों को, सभी छोटी छोटी गौण घटनाओं को, सभी घटनाओं को लिया जाता है उसमें और वर्णन किया जाता है। खंड काव्य में क्या होता है, खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है, बहुत ही सिंपलिसिटी यानी बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जा रहा है। काव्य में, महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं, 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं, और इसमें 8 से कम एक सर्ग होता है, यानी खंड काव्य में एक सर्ग में होता है, यानी कि एक सर्ग 8 से कम सर्ग हो सकते हैं। एक सर्ग भी है तो खंड काव्य कहलाएगा, 7 सर्ग है तब भी कहलाएगा, ठीक है। 8 से कम होते हैं तो
खंड काव्य में श्रेणी में आ जाता है। इनमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है। इसमें खंड काव्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि एक ही छंद हो, ठीक है, बिल्कुल। अगला है, इनमें शांत, वीर या श्रृंगार रस में से किसी एक रस की प्रधानता होती है। इसमें श्रृंगार व करुण रस प्रायः प्रधान होते हैं, करुण और श्रृंगार। इसमें क्या है, शांत, वीर, श्रृंगार, तीन है, शांत, वीर, श्रृंगार में से किसी एक का होता है, ठीक है, बिल्कुल। और इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्त होती है। इनमें धर्म, कर्म और मोक्ष की प्राप्त होती है। जैसे राम के बारे में आप रामायण देखते हो, एक महाकाव्य है, बहुत बड़ा है, ठीक है, महाभारत देखते हो, बहुत बड़ा है, महाकाव्य है। इनमें देखते हो कि धर्म के बारे में सिखाया जाता है, मोक्ष के बारे में, ज्ञान के बारे में, बहुत कुछ नॉलेज दिया जाता है। इसका उद्देश्य महान होता है, कह सकते हो नॉर्मल। प्रमुख महाकाव्य रामचरितमानस है, साकेत है, पद्मावत है, कामायनी आदि है। ये एग्जाम्पल दे दिया गया लास्ट में, आप दे सकते हैं। देखिए छह हमने इसमें छह उदाहरण आपको बताए हैं, ठीक है, तो छह हैं जिसमें से, तो इसमें एक आपका देखिए पाँच छः नंबर का आता है, तो जिसमें से आप देख सकते हैं कि पाँच आपके अंतर हो गए और एक आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, तो जिसमें से प्रमुख खंड काव्य पंचवटी, जयद्र, सुदामा चरित आदि हो सकता है। यानी कि आपके अगर पाँच नंबर में आता है तो पाँच नंबर डायरेक्ट आपके अंतर हमने लिखा दिया है, और यदि आपका एक छः नंबर में अच्छा नंबर तो खैर अब है ही नहीं है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, अगर भूल भी जाता है तब भी स्ट्राइक आपके लिए। और यहाँ से हम लोगों को ऑब्जेक्टिव वालों को याद रखना है कि भाई कौन महाकाव्य है, कौन खंड काव्य, कितने में किसमें सर्ग होता है, और इसके महाकाव्यों के नाम, खंड काव्यों के नाम और इसके रचनाकारों के नाम हमको ध्यान रखना है, ठीक है, यही हमारे में ऑब्जेक्टिव बन सकता है। आज हमने देखा खंड काव्य और महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर भी देखा हमने, और पिछले वीडियो में देखा था महाकाव्य और काव्य के बारे में, अगर ना देखा हो तो देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग अब इसके आगे का जो काव्य है हम लोग पढ़ेंगे, आगे वाले काव्य में हम लोग पढ़ेंगे, आपको पहले से बता दें मुक्तक काव्य के बारे में पढ़ेंगे। आपको हम टेबल दिखा देते हैं, टेबल में हमने आपको टेबल से कराया था जिससे आपको संपूर्ण नॉलेज हो जाए कैसे कैसे इसमें। ये देखिए काव्य, काव्य में दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, इसमें से देखिए श्रव्य दृश्य काव्य में नाटक और एकांकी से खत्म हो जाता है, ठीक है, और इसमें श्रव्य काव्य में क्या आता है आपका प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में आपका महाकाव्य और खंड काव्य, प्रबंध काव्य आपका खत्म हो चुका है, ठीक है, प्रबंध काव्य आपका खत्म हो चुका है, महाकाव्य और खंड काव्य आज पूरा कर दिया। अब मुक्तक काव्य, श्रव्य काव्य का हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, जैसे आप सुन रहे हैं तो श्रव्य काव्य का चल रहा है, मुक्तक काव्य जिसमें से आपको पाठ्य मुक्त और गेय मुक्तक हम आपको पढ़ाएंगे, मुक्तक काव्य के बारे में, फिर पाठ्य मुक्त और गेय, इतने में आपका ये खत्म हो जाएगा, फिर आएंगे हम लोग दृश्य काव्य में आएंगे, अभी हम लोग श्रव्य काव्य को पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर दृश्य काव्य में आएंगे जिसमें नाटक और एकांकी को देखेंगे हम लोग, उसके बाद ये खत्म होगा। देखिए सब कुछ इसमें वर्णन है और पूरा विधिवत आपको ये नोट्स मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल नीचे लेंगे मेरे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया गया है, उसमें चाहे मैथ्स अकेडमी में, चाहे एसके कोचिंग क्लासेस में, चाहे पटवारी में, केवीएस में, किसी में भी ज्वाइन कर लेंगे तो आपको, आप जिससे रिलेटेड हो उसी में ज्वाइन कर लेंगे, सभी जगह पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको पढ़ लीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट, और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद।